अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। में जो हम सब खड़े होंगे गाइस, आज मैंने टैले लगा दी है, तो आपको मैं दिखाता हूँ टैले किस तरह लगाई है। तो टैल जो था वो ये वॉशरूम कमर मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। मैंने कल था जुमरात थी, मैंने मुकम्मल कर दिया। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसका भी जो डिज़ाइन होता है इसमें थोड़ा कटा हुआ टैल था, वो सस्ता मिला था, वो लगाया हम लोगों ने, तो वो लगाया, उसमें भी मैंने कारीगरी की है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये ऊपर मैंने लगाया था, इसमें मैंने प्लस्तर किया, एक कोना भी बनाया था मैंने, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये कोना भी बनाया था मैंने। ये आप देख सकते हैं कटा हुआ टाइल है, ये आधी रेट में मिलता है। वैसे जो साबुत है वो 1200 मीटर है, तो जो कट पीस होता है वो आधी कीमत में मिलता है, वो 600 रुपये का मिलता है। तो टूटा होते हैं नुकड़े, उसको फिर हम मिस्त्री जो होते हैं उसको बराबर करते हैं हम लोग, उसको बराबर करके लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरह लगाया हमने, हमने ये भी लगा दिया है ओपन भी माशाल्लाह, आप देख सकते हैं किस तरह है। ये रात हमने ओपन लगाया है, फैजान ये बड़ा खूबसूरत आया है यार। कैसे? ये बड़ा खूबसूरत आया है ना, ना। इधर पता क्यों इधर ये और एक इस जगह में भी ऐसे ही लग जाता है ना, ये और खूबसूरत लगता है इधर, है ना। हाँ बड़ा प्यारा लग रहा है, इधर भी देखता हूँ फिर अगर इधर वो पैर फेल वो था ना उसका वजह से। तो इधर मैंने प्लस्तर किया था, पैर की जगह जा रही है ऊपर, वो पैर जा रहा है, तो उसको मैंने प्लस्तर किया, बराबर किया है माशाल्लाह। अभी जिसने भी देखा है माशाल्लाह प्यारा बोला है, तो आप बताएं किस तरह आपको लगी टैल। वो भी कटा हुआ टैल लगाया हमने माशाल्लाह, बहुत प्यारा करके लगाया, अपनी कोशिश तो अच्छी की है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। कैसे अच्छा लग गया ना माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हाँ तो माशाल्लाह अच्छा लगा रही थी। मैं एक पट्टी लगाऊंगा अभी, ये रात को मैंने स्कर्टिंग लगाई हुई थी इधर, तो जो साथ वाला कम वाशरूम है उधर भी लगाना, मैंने टैल उधर जाऊँगा उधर लगाने के लिए। ऐसा ये इस तरह नहीं लग सकते किधर इधर ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे अच्छा नहीं लगेगा यार, बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा तो मैं देखता हूँ, लगा हुआ इस तरह उतारे ना आप। हाँ ये इस तरह थोड़ा बड़ा काटता है ना इसको, बड़ा खूबसूरत है। देखते हैं फिर अगर इस तरह अच्छा तो इस तरह लगाएंगे। तो वाशरूम मुकम्मल हो गया माशाल्लाह करम से, मैंने माशाल्लाह अभी आप देख सकते हैं गाइस कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। तो इसकी सारी डिज़ाइनिंग होती है, किसी किसी इतना मालूम नहीं होता डिज़ाइनिंग का। इसमें हमने जो डिज़ाइनिंग इतना ये तेज़ कलर आगे किया हुआ है, आप देख सकते हैं सबका कलर तेज़ आगे नज़र आएगा आपको, तो काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं होता। अब ये देखो ये कोना है, ये तेज़ इस तरफ है, ये भी कोना तेज़ इस तरफ है, ये भी तेज़ इस तरफ है ना, ये मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है, कारीगर के ऊपर डिपेंड करता है कितना है ना। तो इसने रेत मैंने इसलिए डाला है, जो दाग वगैरह हो जाते हैं काफ़ी चीज़ के लिए अच्छे होते हैं, रेत बंद कर लो ये मुकम्मल शुरू करने के लिए, फिर ये लोग अभी निकाल लेंगे, साफ हो जाएगा, अच्छा वॉशरूम हो जाएगा माशाल्लाह। तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा हो गया, ये फर्श भी डाल दिया है, सिर्फ अभी स्कर्टिंग रहेगी वो लगाने वाली, अभी वो लगाएंगे। अल्लाह खैर करे। कैसे चाय पी लिया आपने? आप सब तो पहले शुरू करें टैल में, आप इसको कहो यार। नहीं यार चाय पी रहा हूँ ले ले, अभी देखते हैं किचन अच्छा। कौन सा डिजाइन है? और अमजद भाई लेने के लिए गया हमारे घर पे, देखो कि क्या होता है, बोला पसंद करने के लिए गया हूँ, देखो अभी देख रहे हैं। तो जब ले के आ जाएंगे तो किचन को भी लगाने गए, अभी किचन को भी लगाएंगे, वॉशरूम उसके बाद उसको भी लगानी है। स्लैटिंग आज तो मैंने जिम्मे वाले दिन है, चलो मैं बोलता हूँ स्लैटिंग लग जाए, इसलिए आज स्लैटिंग ये लगा देंगे, मुकम्मल करेंगे इसको इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह। अभी बहुत प्यारा लग रहा है मुझे तो, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ना माशाल्लाह। अभी ऊपर माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है हमको तो माशाल्लाह। इसमें गाइस ये होता है, इसमें जो इसमें ब्लैक जो आपको नज़र आ रहा है उसका मैंने रुख आगे की तरफ किया हुआ है ना, तो एक जो लिखी है उसको एक तरफ करनी पड़ती है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़रा ये लकीर सब की आगे हैं। तो यही एक चीज़ कारीगरी मांगती है, के पास अच्छी चीज़ लगाओ, काफ़ी इंसान याद करे किसी को, ये नहीं फिर इंसान किसी को धक्के मार के निकल भाई कैसे प्यारी की है माशाल्लाह। जिधर भी हाथ लगाएंगे ऐसे तो ऐसे खड़का के भी देखा है काफ़ी लोगों ने, तो अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं डार भी मैंने बहुत ज़्यादा किया है, इससे मसल डाल चेक किया भाई हमने,
दाल और वगैरह बहुत अच्छी की है माशाल्लाह हम लोगों की। तो काम हमारा यही है कि जितने काम को अच्छा करो तो काम माल लेके आप देख सकते माशाल्लाह अच्छा लग गया हमको। तो मालिक को ये भी बोला था इधर पट्टी होती है, अगर पट्टी होती इधर गोला जो होती पकड़ी से बोल गया बोलते बस लगा के बस शायद भूल गया होगा उसने। फिर आकर मैं बोला बस ऐसे लगा दो बस छोटे बच्चों के लिए कमरा बनाया हुआ उसने, उसका सामने वाला कमरा है ना मालिक का, उसके बच्चों का इधर है इसलिए शायद गोला नहीं लगाया हो किसी और बच्चों में। हम इंशाल्लाह ताला भाई को बोलेंगे गोला लगाएगा, इधर भी बोला है वैसे गोला लगाए मैं एक गोला इधर भी होना चाहिए काम का ही अच्छा लगता है गोला गोला होना चाहिए इधर भी। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ रिजवान क्या कर रहा है, क्या काट रहा है दिखाते हैं आपको उसको भी काम। मैंने तो आपको दिखा दिया अपना काम जो मैंने किया है अलहमदिल्ला, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं किस तरह लगा मेरा काम। तो मैं आपको दिखाता हूँ रिजवान क्या कर रहा है, चलते हैं आपको दिखाते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला ये शुरू करने वाला हूँ डिज़ाइन, ये भी टाइल काट रहे रिजवान। रिजवान जल्दी काटो कितनी देर हुई है यार, ये रिजवान काट दी टाइलें बोर्ड इधर लगाया हुआ बिजली का काका जिसे इधर करो चेहरा यार क्या ले काटो मिनट मारो ले की लगाया हुआ अभी काटा नहीं सारा जो कटा हुआ पीस बराबर किया इधर किया सबको कचरे वगैरह जो इधर साइड में किए। कैसे जो सभी बिल्कुल सही है बस सही है काटो अभी बस ठीक है काटो 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 काटिंग के लिए दस्ताने डाल दिया करो यार दस्ताने डाला करो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए फिटिया आपकी बिल्कुल सीधी लेवल है ये
ये हमारे फैजान उस्ताद हैं जिसने 12 बजे काम शुरू किया है, स्टार्टिंग लगाना शुरू की है। काम इतना अच्छी होना चाहिए। तो अभी अभी देखना ये है कि ये काम कितने बजे खत्म करेगा, कितने बजे छुट्टी करेगा। आधे घंटे में 10 बजे तो ये काम पे आए। वालेकुम अस्सलाम फैजान उस्ताद, आप कितने बजे आज घर जाने का इरादा है? बस जुमे टाइम पे इंशाल्लाह चला जाएगा। आज हमारा भाई अपने दोस्तों भी यहीं पे। कैसे हैं आप? बस ये देखिए आप हमारे घर का मिस्त्री साहब। मेरा शुक्र है, आप सुनाओ कैसे काम कैसे चल रहा है? ये देखिए गाइस, ये वॉशरूम है, ये सारा इसका है। अच्छा हम ओए पास पास चेक करो, इसकी फैजान उस्ताद मजदूरी अलग लगेगी। हाँ ये जो आप वीडियो बनवा रहे हो ना मुझसे, पैसा बहुत है लेकिन दिल छोटा है, दिल भी बड़ा करो ना, मजा तब है। फैजान उस्ताद माल जाया नहीं करो। ये हमारे दूसरे भाई रिजवान भाई आ गए। क्या हुआ रिजवान भाई आपको? आज रिजवान भाई ने सही काम किया, वो खाने पहने हुए उस दिन जो उंगली कटी है इसकी, आज थोड़ी सी बाकल आई है, फिर भी दो दिन बाद आकर आई। चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी अभी से हाथ कटने से बच जाएगा थोड़ा बहुत। सही बनाई करो, सही बनाई करो, कटिया नहीं करो कभी। रिजवान उस्ताद ये अभी क्या हो रहा है ये जरा आप समझाएंगे हमें? इसकी जो सारे बंद होते हैं इसमें कीड़े वगैरह नहीं जाते। क्या बात है, ऊंचा बोलो ये आप कर क्या रहे हो? इसका तो करनी है ये जो आप से माल डाल रहे हो ऊपर से बंद। अच्छा दर्जों में माल भर रहा है अंदर से कोई जगह खाली नहीं है? अच्छा कीड़े नहीं जाएंगे ऊपर अगर फिलिंग हो जाएगी। गाइस देखे बोले क्या कर रहे हैं उस्ताद, अभी आप फिल्म बना रहे हो इसके लिए अलग मिसाल आता है। ये देखें आप इसके साथ करो, थोड़ा ऊंचा बोला करो। ये ब्लैक है, ये ब्लैक चीज वहाँ का है, इसके साथ तो बराबर इसका रंग होता है वो इतना वो ब्लैक नहीं होता है ना, उखड़ जाता है।
छोड़ो एक दो मिनट कुछ हो जाएगा।